हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 5 PMA स्ट्रेटजी क्या होती है। 5 PMA स्ट्रेटजी में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा आपका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने 5 PMA स्ट्रेटजी की एक PDF बना रखी है, ये ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आप बात करें तो आपका 5 PMA स्ट्रेटजी में आपका कैंडल का स्पेशली ध्यान रखना है। आपको अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस पे कैंडल बनती है तो ये आपका 5 PMA काम करेगा। यहाँ देख सकते हैं आपके, आप यहाँ पे एक सपोर्ट था अच्छा खासा, ये देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए एक इसमें स्पेशली ये आपका 5 PMA, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका ये स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप ये 5 PMA टच नहीं किया, और सेकंड कैंडल का ये टच किया हुआ होना चाहिए, और इसमें ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, टच किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इस कैंडल की हाई का आपको हमेशा स्टॉप लॉस रखना है, और इस सेकेंड कैंडल में आपकी एंट्री होगी तो आप देख सकते हैं छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है यहाँ से यहाँ तक का। और डाउन साइड के लिए आप 1:4 तक के टारगेट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं यहाँ तक के टारगेट, यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट आराम से आपको मिले, ये देख सकते हैं कितना अच्छा खासा टारगेट मिला है। फिर से यहाँ पे वापस डाउन साइड के लिए यहाँ पे आपके एग्जिट हो सकते हैं, जो सेम लोग एग्जिट किया होगा बाद में फिर से 5 PMA बना है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडल के मतलब टच नहीं किया 5 PMA, यहाँ पे कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस होता है और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। इसमें तो स्टॉप लॉस ओनली 2-3 पॉइंट का आप देख सकते हैं, और टारगेट यहाँ से आप देख सकते हैं कितने अच्छे खासे टारगेट मिले। अगर और भी बात करें तो आपको मैं डाउन साइड के लिए और सेटिंग वगैरह बता दूंगी, और लाइव मार्केट में भी बताऊंगी कि कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये काम करता है। इसके कुछ मतलब रूल्स भी है, आप देख सकते हैं। नॉट मैटर दिस कलर, इसका मतलब जो भी कलर होता है वो मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें रूल्स लिखे हुए हैं थोड़े से, ये देख सकते हैं आप। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कलर में करते हो। सेकेंड से मतलब ये 5 PMA के टचिंग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बॉटम और बनना चाहिए, और बॉटम वाली सिंगल वाली कैंडल के टच नहीं होना चाहिए। और इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट होना चाहिए, आप देख सकते हैं। 15 मिनट में बाय करने का तरीका अच्छा है, और 5 मिनट में सेल कर, 5 मिनट में सेल के लिए मतलब पुट ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट माने तो आपका ये 5 वाला है, क्योंकि हम सेलिंग के टाइम ही देखते हैं ये ज़्यादातर। डाउन साइड के लिए अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें। अब अगर और भी रूल्स वगैरह की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपका ये है कि इसमें कैंडल मैटर नहीं करती कि आपकी कैंडल कौन सी रेड कलर में बनी है या ग्रीन कलर में बनी है, इसका आपको कुछ ज़्यादा मतलब इस होता नहीं है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कैंडल यहाँ रजिस्टेंस पे होनी चाहिए और सपोर्ट पे होनी चाहिए, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी कुछ इसमें थोड़ा सा एक कैंडल को टच नहीं करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल को 5 PMA। अगर और भी आपको मैं दिखा देती हूँ बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 5 PMA लाइन है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा वेट करो, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये आपकी 5 PMA कैंडल है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपकी एंट्री होती इस कैंडल के हाई पे, और यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हैं। ये EMA लाइन होती है, ये आपकी इस कैंडल के टच नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं ये टच नहीं, और सेकंड कैंडल आपकी टच होनी चाहिए, ये टच हुई है, आप देख सकते हैं प्रोसेस आराम से इसमें भी। बाकी थोड़ा बहुत और बता देती हूँ, इसमें और भी हैं, और ये टेलीग्राम को आपको मिल जाएगी PDF वगैरह भी, जिसमें सेटिंग वगैरह सारी सब कुछ इसमें लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपकी एंट्री फिर से, और ये टारगेट आप देख सकते हैं इसमें। कभी अगर मार्केट में ये दिन में 2 भी अगर मिल जाती है ना आपको एंट्री, तो आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिलते हैं डाउन साइड के लिए। ये देख सकते हैं आपको एंट्री इसमें EMA के क्रॉस करी है इस सेकंड कैंडल में, इस वजह से आपके यहाँ पे एंट्री हो गई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें अगर और भी बात करें तो मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, सेटिंग वगैरह भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको ये सर्च इंडिकेटर नाम आता है उसमें से आप जाएंगे, और वहाँ पे भी बता दूंगी आपको, वहाँ पे आप सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप देख सकते हैं इसको। बाद में आपको
डाउन साइड के लिए ये आप लगा लोगे, एक बार क्लिक करोगे तो आपका लग जाएगा। इसमें लेंथ वगैरह की बात करें तो वो भी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको लेंथ करनी है 5, ये भी 0, ये क्लोज आप देख सकते हैं। इसमें EMA करना है यहाँ पे, यहाँ पे 5 करना है, बाकी यहाँ पे ओके कर देना है यहाँ पे, तो आपका ये लग जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब मोटा भी लाइन को कर सकते हैं, लेंथ वगैरह को। उसमें सारा सब कुछ आपको चेंज करके मैं दिखा दूंगी कि कैसे आपको चेंज करना है, क्या करना है, कहाँ पे आपका 5 PM बनना है, आपको सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट में, देख सकते हैं आप चार्ट में चलेंगे हम तो आपको दिख जाएगा आराम से। ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। इसमें अगर 5 PM की बात करें तो 5 PM आप यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कल कल के मार्केट में भी इस कैंडल को तो इसने टच किया, आप देख सकते हैं आराम से इस कैंडल को। ये सब यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है आप देख सकते हैं। लेकिन टारगेट भी देख सकते हैं आप 3 गुना मिले हैं, 1:3 के टारगेट यहाँ पे टच नहीं किया है, यहाँ पे कैंडल को टच किया आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे आप, इस कैंडल में, इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक के टारगेट। अब और भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप ये एक बार यूज़ करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी है ये 5 PM स्ट्रेटजी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 PM स्ट्रेटजी फिर से बनी है यहाँ पे। दिन में अगर एक भी मिल जाएगा ना आपको तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके टच किए तो बनी नहीं, यहाँ पे टच नहीं किया आप देख सकते हैं EMA को, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपकी इस कैंडल में एंट्री होती और यहाँ तक कि आपके टारगेट देख सकते हैं 1:3, 1:4 के टारगेट ये देख सकते हैं इस कैंडल तक। अगर और भी बात करें तो हम थोड़ा सा और अगर यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा और देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। इसमें अगर आप दिन में एक भी एंट्री मिल जाएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है और टारगेट आपको 1:4 तक के मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें भी अच्छा खासा, यहाँ पे आपका EMA टच नहीं किया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपकी एंट्री होती और टारगेट देख सकते हैं 1:5 के लगभग आराम से देख सकते हैं इसमें भी। अगर और भी बात करें तो आपको साइडवेज मार्केट में ये काम करेगी नहीं, पहले ही बता देती हूँ। साइडवेज मार्केट इस मार्केट में तो क्या ही कर लेगी, कोई सी भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। एक न्यूज बेसिस मार्केट पे कुछ थोड़ा कम ही काम करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे आपकी एंट्री होती, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा दर आप देख सकते हैं, बिल्कुल 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हैं, यहाँ तक की इस कैंडल के लो तक के टारगेट आराम से देख के चल सकते हैं। कैंडल ने नहीं किया टच, सेकंड कैंडल को टच किया, एंट्री हुई आपकी और अच्छे खासे आपके टारगेट देखने को मिले। ये अगर आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कितना काम करती है, मैं खुद यूज करती हूँ इसको, तो आप अच्छे खासे से देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, दिन में अगर आपको एक भी एंट्री मिल जाएगी ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा था, इस वजह से हमने लिया नहीं, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़रूर किया है, ये देख सकते हैं यहाँ तक के, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा था, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना आपको, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आपके टारगेट सोच भी नहीं सकते आप कितने बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब देख सकते थे आप, यहाँ पे आपकी एंट्री होती,
यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और आप सोच सकते हैं 20-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से मिल जाती। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इस कैंडल में कितना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। ये स्ट्रेटजी आप जब भी यूज़ करोगे तब आपको खुद को ऐसे होने लग जाएगा कि हाँ, एक आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कैंडल के लो को ब्रेक करने पर आपको एंट्री लेनी है, पहले जो भी एंट्री लेंगे, क्योंकि पहले एंट्री में आप फंस सकते हैं। और एक सपोर्ट रजिस्टेंस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट रजिस्टेंस था, तो आपकी एंट्री हुई और यहाँ पे टारगेट मिल चुके हैं आपको। जब भी मार्केट ट्रेंड में होगा हो तब आपको सपोर्ट पे आपको एंट्री होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको तो टच किया तो इसमें तो आपका कोई एंट्री बनी नहीं है, ये देख सकते हैं इसमें, और इसमें देख सकते हैं इस कैंडल को ईएमए ने टच नहीं किया है, और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं टारगेट, यहाँ तक कितने अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, 1:4 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इसकी सेटिंग की, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर रखा है, थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ। 5 करना है आपको, ईएमए करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ वगैरह वो भी मैं बता दूंगी आपको। एक तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, जो भी है 10-9 वहाँ पे 5 करना है, यहाँ पे जैसे वैसे रखना है, यहाँ पे आपको ईएमए करना है, यहाँ एसएमए लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 5 करना है आपको, बाकी जैसे है वैसे रहेगा। और स्टाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ये देख सकते हैं, बाकी कुछ आपको जैसा भी आपको कलर अच्छा लगे इनमें सेलेक्ट करो, और इनमें आप थोड़ी सी मोटी लाइन रखोगे तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो मैं ये सेकेंड वाली लाइन कर देती हूँ इसमें सेलेक्ट, और आपको ओके कर देना है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ओके कर दिया। ऐसे आपको यूज़ करना है, इसमें बहुत अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं गाइज। इस स्ट्रेटजी को मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं इसको थोड़ा सा, और सपोर्ट पे ये बनना चाहिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे स्पेशली ध्यान रखना आपको, रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा काम करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस एंट्री में, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपकी एंट्री होती, स्टॉप लॉस के पास आके आया, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं कंटिन्यू कितना बढ़िया मूवमेंट मिला, आप देख सकते हैं आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, अगले वीडियो में फिर से कोई अच्छी स्ट्रेटजी आपको शेयर करेंगे, बाकी इस वीडियो में इतने, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको नीचे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा ऐप का, आप वहाँ से ओपन करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।